हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो गाइस, हम लोग बात करते हैं कि तो दोस्तों अभी जो है आप लोगों को मैं अपना खेत दिखाऊंगा, चल के देखते हैं कैसा हम लोग का मकई का खेत है। और उसमें आलू पहले था तो आलू भुना गया है, तो आप देखते हैं कैसा था मकई का खेत। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने आलू और मकई के खेत में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू की जो है खुदाई हो चुकी है। तो अब हम बात करें कि इसमें जो है कितना आलू उपज हुआ है। तो मैं बात करूं तो लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास जो है इस खेत में जो है आलू। और उधर जो है आप लोगों को सनसेट का व्यू दिखाऊंगा मैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप लोग बताना कि वीडियो कैसा शूट हो रहा है। और अभी जो है आप लोगों को चल के मैं दूसरे खेत में दिखाऊंगा, उसमें जो है गेहूं का खेती हो रहा है। और देख सकते हैं कि बगल में जो है ये गांव के मेरे जो हैं आसपास में जो मेरे खेत के बगल में है ना, वो अच्छी तरीके से खेती करते हैं। इस बार जो था ना पानी लगा हुआ था, जिसके कारण जो है लेट में गेहूं का खेती हुआ है। और उधर जो है सनसेट का भी आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा मैं, आप वीडियो में बने रहे। तो गाइस ये रहा हमारा गेहूं का खेती, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, हरा भरा जल जीवन हरा भरा देखने में लग रहा है। तो आप लोगों को जो है ना चारों मतलब चार साइड से मैं दिखाऊंगा, पूरे 360 डिग्री आप लोगों को ट्रायंगल दिखाऊंगा, आप देखिए वीडियो में बने। अब जो है आप लोगों को सनसेट का व्यू मैं दिखाऊंगा, पूरा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। क्वालिटी तो उतना नहीं दे पाएंगे क्योंकि फ़ोन उतना बढ़िया नहीं है, तो आप लोग देखते रहिए। उतना अच्छा क्वालिटी तो नहीं दे पाएंगे। कैसा लगा यह ब्लॉग आप कमेंट सेक्शन में बताना, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।